हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। जैसे ही वैकेंसी की सूचना मुझे मिलती है, परमानेंट रेगुलर बेस पर वैकेंसी आई है, तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल बताया जाता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है कि सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन समय पर आप लोगों को मिल सके। कई बार जो है यूट्यूब की तरफ से जो है वो वीडियो समय पर नहीं मिलता है, उसकी वजह क्या रहती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं बट बेल बटन प्रेस नहीं करते हैं, जिस वजह से नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक नहीं पहुंचता है और डेट निकल जाती है। और जब काफी अच्छी वैकेंसी आती है तो बहुत ही दुख होता है कि डेट निकल गई। यहां पर जैसे ही मुझे सूचना मिलती है कि परमानेंट रेगुलर बेस पर वैकेंसी आई है और स्टूडेंट्स जो है उनकी डिमांड भी यही है कि हमें जो है रेगुलर बेस पर वैकेंसी चाहिए, तो तीन स्कूलों की जो है वैकेंसी आई है। शिक्षक भर्ती 2024-25 के लिए बिल्कुल रेगुलर परमानेंट पोस्ट के लिए सभी पोस्ट की वैकेंसी है, PRT, TGT, PGT, ठीक है। इसके अलावा भी कई पोस्ट हैं, महिला पुरुष सभी आवेदन यहाँ कर सकते हैं। और सभी राज्यों के कैंडिडेट चाहे किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे यदि यहाँ क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। महिलाओं को जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 10 साल की जो है उम्र में छूट मिल रही है, ठीक है। जो भी एज यहाँ पर दी गई है नोटिफिकेशन में, तो महिलाओं को जो है हर पोस्ट के लिए 10 साल की छूट दी जा रही है। तो कोई भी जो है वैकेंसी जो अच्छी होती है तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है हर स्टूडेंट्स तक जो है ये न्यूज़ ज़रूर पहुंचे। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जो है जहां पर आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करेंगे, ज़रूरी जो कागज़ हैं, ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट हैं, आप लोगों को क्या क्या जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं, तो यहाँ आप लिखा हुआ है कैंडिडेट आर टू अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अपने खुद के साइन जरूर करने हैं जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका जो है पूरा डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर जो है वो आप अपना साइन जो है यहाँ कर दें नीचे, ठीक है। तो सभी जितने भी फोटोकॉपी होंगी आपके डॉक्यूमेंट की, तो ये साइन जरूर करें आप। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोगों को 10th की मार्कशीट रहेगी, क्वालिफाइंग डिग्री और मार्कशीट आपको लगानी है, ठीक है। ये जरूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको रखने ही होंगे। डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ PRT के लिए क्वालिफिकेशन जैसे कि 12th मांगी गई है, 12th के साथ में जो है 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के साथ में आपने BEd किया है, ठीक है, ये मांगा गया है। और CTET पेपर 1 मांगा गया है। इससे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन अगर आपने गेन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है आपके पास, एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप लगा दें, ठीक है। BEd डिग्री सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल लगाना ही है क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी जो है कंपलसरी है BEd। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी अगर है तो जरूर लगाएं, और नहीं है तो चलेगा क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल कंपलसरी नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। CTET पास सर्टिफिकेट आपको लगाना है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एंड प्राइमरी टीचर्स के लिए, ठीक है, इनके लिए कंपलसरी है। अभी जो है एज की बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर कि महिलाओं को जो है वो बिल्कुल 10 साल की छूट मिल रही है, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाहें। ये सभी जो है रेगुलर बेस पर वैकेंसी हैं, पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें आप लोगों को पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर PGT के लिए जैसे 36 साल है, तो इसमें आप जो है वो 10 साल जो है यहाँ पर जोड़ लें, ठीक है, तो यानी 46 ईयर। TGT के लिए जो है आप लोग 10 साल यहाँ जोड़ लें। जो भी महिलाएं हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी की हैं, सामान्य कैटेगरी के महिलाएं हैं, किसी भी राज्य की महिलाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 42 ईयर, ठीक है। इसी तरीके से PRT की, और ये भी लिखा गया है कि अधिकतम उम्र जो है 45 किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं की जाएगी। तो अभी 46 हो या 45 हो, आप यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सभी कैंडिडेट जो हैं जिनकी मैक्सिमम एज होगी 45 तक तो होगी वुमेन की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन जो है वो आप लोग देख लें, 10 साल की छूट जो है वो हर पोस्ट में मिल रही है महिला को। अभी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जो है 10 साल की छूट जो है एज लिमिट PGT, TGT, PRT कैटेगरी के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है तीन स्कूलों की बात हो रही है, एयरफोर्स स्कूल की, पिछला वीडियो आप देखिएगा कैसे नोटिफिकेशन को जो है आप देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे फिल करना है, क्वालिफिकेशन एज वगैरह क्या कही गई है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। और यहाँ पर जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सैनिक स्कूल का जो है रिटन टेस्ट होता है, उसी तरीके से यहाँ पर टेस्ट होगा आपका, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा, ऑफिस सिलेक्शन होगा। अब रेगुलर बेस पर जो वैकेंसी आती है तो
इतना तो अच्छे स्कूल की डिमांड रहती ही है, ठीक है। बाकी जो है, जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम जो है वो देख रहे हैं, तो उनको यहाँ पर सब्जेक्ट दिखा देती हूँ मैं। पीजीटी बायो रेगुलर वैकेंसी है, यहाँ पर मास्टर डिग्री के साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए, पीजीटी इंग्लिश की है, टीजीटी इंग्लिश की है, जहाँ पर ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री और साथ में सीटेट पेपर टू, टीजीटी हिंदी संस्कृत की है, साइंस की है, फिजिक्स की है, म्यूजिक की है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की है, लाइब्रेरियन की है, एलडीसी अकाउंटेंट की है, उसके बाद एलडीसी लैब असिस्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर टीचर्स की, प्राइमरी टीचर्स की।